हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना आज का लंच रूटीन। तो चलिए देखते हैं। तो इधर देखिए, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं नहा ली हूँ, कपड़े भी धो ली हूँ। तो सारे कपड़े को यहाँ धूप में पसार दे रही हूँ, और अभी थोड़ा थोड़ा धूप आया है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर नाश्ता वास्ता करके तैयार हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ लंच बनाने। तो चलिए आज मैं जो जो लंच में बनाऊँगी आप लोग के साथ सारी रेसिपी शेयर करूँगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। और चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अभी भाजी वाली आई थी तो मैंने यहाँ पर साग खरीद लिया है। तो आज मैं साग आपकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और साग के जो डंठल होते हैं ना, इसकी भी बहुत अच्छी सब्जी बनती है। इसकी भी सब्जी मैं कभी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए बनाते हैं। इधर देखिए, मैंने चावल और दाल के लिए पानी चढ़ा दिए हैं। यहाँ मैंने पतीले में दाल ले लिया है और दाल को अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। एक बार वॉश करने के बाद मैं पानी फेंक देती हूँ, फिर दूसरे बार फिर से पानी लेके उसको अच्छी तरह से वॉश करूंगी। और इधर देखिए, नमक और हल्दी दाल में डालने से पहले मैं इसके जो ऊपर में झाग बन रहे हैं वो सबको हटा दूंगी, क्योंकि इस झाग शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, इसलिए मैं इसको पहले हटा देती हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी डाल दूंगी। इसके ढक्कन को बंद कर दूंगे। इधर देखिए, चावल के लिए जो मैंने पानी चढ़ाया था वो भी गर्म हो गया है, तो अब मैं इसमें चावल डाल देती हूँ। और चावल मैं पतीले में ही बनाती हूँ, क्योंकि कुकर के चावल कोई पसंद नहीं करता है इसीलिए। और मैं यहाँ ढक के रख देती हूँ। इधर देखिए, दाल मेरा तीन सीटी हो गया है, तो दाल मेरा पक गया है। और इधर मैं अब साग को अच्छी तरह से चुन ले रही हूँ, क्योंकि बारिश का दिन है, इसमें कीड़े मकोड़े भी हो जाते हैं इसीलिए। तो ये देखिए, मैंने सारे साग को चुन लिया है, अब इसको अच्छे से वॉश कर लूंगी। अब सारे सागों को मैंने बारीक काट लिया है, देखिए। चलिए बनाते हैं। इधर मेरा कढ़ाई गरम हो गया है, तो मैं अब इसमें डाल देती हूँ सरसों का तेल। सरसों का तेल मेरा गरम हो गया है, तो मैं इसमें 1 सूखी मिर्च तोड़ के डाल दे रही हूँ। देखिए, किसी लाल मिर्च का कलर चेंज हो गया है, तो मैं अब इसमें 20 से 25 लहसुन की कलियाँ डाल देती हूँ। लहसुन मैं थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ही डालती हूँ, क्योंकि मुझे साग में लहसुन का टेस्ट अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज के प्याज को भी काट कर इसमें डाल दिया। अब प्याज को अच्छे तरह से फ्राई कर लूँगी। तो देखिए, प्याज मेरा बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया, एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो मैं अब इसमें साग डाल दूँगी। अब इसको चला और साग में मैं कोई मसाला नहीं डालूंगी, बस नमक स्वाद अनुसार डालूंगी। और देखिए, नमक डालते ही साग हम लोग का एकदम सॉफ्ट हो गया है और बहुत ही झटपट से बन जाती है साग की रेसिपी।
ये देखिए मैंने नमक डाल दिया है, अब इसको अच्छे तरह से इसी तरह चलाते रहिए। इधर देखिए साग मेरा बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, एकदम उसका क्वांटिटी भी एकदम कम हो गया है और बहुत ही अच्छी तरह से पक भी गया है, ये देखिए। तो चलिए अब इसको उतार लेते हैं। और इधर देखिए मैंने भिंडी को बड़े बड़े साइज में काट लिया है, मैं भिंडी और चना की सब्जी बना लेती हूँ। देखिए मेरा तेल गर्म हो गया है तो मैं इसमें भिंडी को डाल के भिंडी को थोड़ा फ्राई कर लूँगी। भिंडी मेरा बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। इधर देखिए बचे हुए तेल में मैंने पंचफोरन डाल दिया है और पंचफोरन मेरा चटक गया है तो मैं अब इसमें डाल देती हूँ प्याज और प्याज को थोड़ा फ्राई कर लूँगी। प्याज मेरे फ्राई हो गए हैं तो मैं अब उसमें डाल देती हूँ कटे हुए टमाटर और टमाटर को भी फ्राई कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन मिर्चाई काली मिर्च और जीरा का जो पेस्ट है वो ले लिया है और इसमें 1.5 चम्मच डाल दूँगी। अब मसाला को भी थोड़ा सा फ्राई कर लूँगा। इधर मैंने चना भिगो के रखा था उसको डाल दे रही हूँ, चना को भी मसालों के साथ फ्राई कर लूँगी। अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर। अब इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। तो इधर देखिए चना मेरा बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो गया है तो मैं अब इसमें पानी डाल दूंगी ताकि चना भिंडी जो है वो पक जाए। और भिंडी को मैं थोड़ी देर बाद इसमें डालूंगी, चना को मैं थोड़ा उबाल आ जाए उसके बाद। इधर देखिए चना में उबाल आ गया है तो अब मैं इसमें भिंडी डालूंगी क्योंकि भिंडी को मैंने फ्राई किया है और ज़्यादा देर तक उबालूंगी तो फिर ज़्यादा सख्त हो जाएंगे, इसीलिए चना को थोड़ा पकाने के बाद ही भिंडी को डालिए। तो 10 मिनट में ढक देती हूँ ताकि भिंडी भी सॉफ्ट हो जाए। तो इधर देखिए 10 मिनट हो गया है और मेरी सब्जी भी बन गई है, भिंडी भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है और चना भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं।
तो मैं अब इसमें 1 चम्मच बेसन का घोल डाल देती हूँ, इससे ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। और अब मैं इसमें 1 चम्मच गरम मसाला ऐड कर देती हूँ और 1 चम्मच कसूरी मेथी। अब इसको अच्छे से चला लूँगी। और हम लोग को ग्रेवी इसी तरह से चाहिए क्योंकि ठंडा होने के बाद ये इसमें बेसन का घोल है तो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से गाढ़ी हो गई है। चना भी देखिए कितने अच्छे से पक गए हैं। और इधर मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, देखिए कितना ज्यादा बारिश हुआ है, मेरा पूरा बगान एकदम तालाब बन गया है। अरे देखिए बहुत ज्यादा बारिश हुई अभी। ये मेरा लंच बन के तैयार हो गया है और मैं अब इसको खा लेती हूँ। देखिए अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। बाय।